हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों ने अपने जितने भी यूजर थे उनको कंफ्यूजन में डाल दिया और यू कहें प्रॉब्लम में डाल दिया। हुआ यह है कि उन कंपनियों का ये कहना है कि अगर आप हमारा सिम यूज करना चाहते हो तो हर महीने आपको मिनिमम 35 रुपीज का रिचार्ज कराना होगा, जो कि पहले ऐसा होता था कि हम एक रिचार्ज करा दें और वैलिडिटी को कुछ ज्यादा एक्सटेंड करा दें। और बहुत सारे यूजर को कंटिन्यूसली मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो आपके नंबर पे जो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल है वो सब बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सो हे गाइस, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हो मेरा चैनल टेक्नो एजा। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और पसंद आए तो डिसलाइक करना, डिसलाइक मत करना यार, बुरा लग जाएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। जियो की वजह से इन सभी को हो रहा था घाटा। हर महीने ऐसे न्यूज आ रही थी कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब लॉस में जा रहे हैं और जियो हमेशा एकदम से प्रॉफिट, एकदम मार्केट एकदम ऊंचाई पे चल रहा था। इन कंपनियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हर यूजर पे ठप्पा मार दिया, 35-36 रुपीज का रिचार्ज कराना होगा। अब इनको कौन समझाए कि मोमोज भी खाते हैं तो हम चटनी मांग मांग के उसे पेट भर लेते हैं और पैसे की जरूरत होती है तो हम एक बार लक अपने ट्राई कर लेते हैं तेज पे कि भाई दे दे यार कुछ पैसे वैसे हो तो 10 रुपए कमाने के लिए तेज पे 500 रुपए ट्रांसफर कर लेते हैं। यार डिजिटल इंडिया हो गया तो सेविंग करना तो अपना हक बनता है। चलो सबसे पहले सोल्यूशन की बात करें तो आपको 1900 पे एक मैसेज भेजना है, उसको लिखना है POR रिपोर्ट स्पेस और आपको अपना नंबर लिखना है और आपको उसी सिम से भेज देना है जो भी हो, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन। तो इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, यूपीसी कोड। कुछ लोगों का ऐसा भी देखा हो कि अगर ये मैसेज वो भेज रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वो अपने वैलिडिटी चेक करे, उनका मतलब जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दे रहा है एयरटेल, क्योंकि एयरटेल ये सोच रहा है कि भैया पोर्ट वाला मैसेज मंगा लिया तो हो सकता है किसी और कंपनी में ये चला जाए बंदा तो हम एक अपने कस्टमर खो देंगे। तो एयरटेल वाले खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं कि हमने अब क्या करें, अब 35 रुपीज का बंदा रिचार्ज कराएगा नहीं, 2 रुपए बचाने के लिए बंदा किसी और कंपनी में चला जाएगा। तो अब इनको वैलिडिटी दे ही देते हैं, ट्राई कर लिया, लक अजमाना था रिचार्ज कर रहा है कि नहीं बस, और नहीं किया तो इनको वैलिडिटी खुद से बता दो। तो भैया आप समझो इन बातों को कि कंपनियां कैसे आपको बेवकूफ बना रही है। ओके, अगर आपका वैलिडिटी नहीं बढ़ रहा है तो भी आपको यही मैसेज भेजना है, यूपीसी कोड मंगा लेना है 1900 पे, पोर्ट लिखिए और स्पेस देकर अपना नंबर लिखिए, यूपीसी कोड है उसे मंगा लीजिए। अब आपको नजदीकी स्टोर पे जाना है जहां पे जो सिम कार्ड है वो इश्यू होता है, उनसे जाके बोलना है कि भैया भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का सिम हमें दे दो। तो वहां पे आपसे वही यूपीसी कोड मांगा जाएगा और आप BSNL पे चले जाओगे। और यहाँ पे बता दूं कि BSNL पे जो मिनिमम रिचार्ज है वो आपको कराना होगा 36 रुपीज, जिसमें आपको 180 डेज यानी लगभग 6 महीने का वैलिडिटी मिल जाता है। तो जहां पे उतने ही रुपए में ये 1 महीने का वैलिडिटी दे रहे थे, उतने ही रुपए में BSNL में आप पूरे 6 महीने का वैलिडिटी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके एरिया में BSNL नहीं चल रहा है तो आपको MTNL पे शिफ्ट करना है और MTNL में तो और आप 2 रुपए बचा सकते हो। MTNL में आपको 17 रुपए का रिचार्ज कराना है और आपको पूरे 90 डेज यानी 3 महीने का वैलिडिटी मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप 6 महीने के हिसाब से देखो तो आपको 34 रुपीज का रिचार्ज करना होगा। BSNL में 36 रुपीज, MTNL में 34 रुपीज, यहाँ पे 2 रुपए का फायदा है। तो कुछ बंदे सोचेंगे ना कि भैया ये भी 2 रुपए बचा के MTNL में ही चले जाता हूँ, भाई इतना कंजूसी मत करो, 2 रुपए का बात है यार। कुछ लोग बोलेंगे भैया BSNL का नेटवर्क एकदम घटिया है, तो भैया बता दूं ज्यादा ठहरो, BSNL अब काफी अच्छा वर्क कर रहा है और इसका जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। तीसरे सॉल्यूशन की बात करें जो कि काफी बेस्ट है, और अगर आपके पास जियो का सिम पहले से नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके पास नहीं होगा क्योंकि भैया 2 GB डेटा तो आपका हक है, तो आपको उस नंबर को जियो में पोर्ट करा लेना है। लेकिन अगर आपके पास जियो का पहले से सिम है तो कौन, इसमें भी 300 रुपये, उसमें भी 300-600 रुपये भांडा फूट जाएगा, 35 रुपीज बचाने के चक्कर में 600 का वाट लग जाएगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मैं सोच रहा था कि आपको बतानी चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था आर्यन हक ने, जिनका एक चैनल है यूट्यूब चैनल आर्यन हक, और अगर आप चाहो तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भाई ने बहुत हेल्प की है। सेल्फ प्रमोशन। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा देना। अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने आने वाले अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर और बाय बाय।